अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। ये है जी आइसक्रीम वीक और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा और आपको करते हैं वेलकम अपने शो पे। और आज हम क्या बनाएंगे? कल तो आपको पता है, याद होगा, अगर आपने शो देखा होगा, मैंने चॉकलेट आइसक्रीम कस्टर्ड बना के दूध से वो बनाया था, फिर मैंने कॉफ़ी आइसक्रीम बनाया था ब्लेंड करके, और उसके अलावा मैंने कल आपको कॉफ़ी मेरेंग्स बनाना सिखाए थे। अब आइसक्रीम वीक रखने का मकसद ये था कि आप लोगों को आइसक्रीम्स, डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम्स की रेसिपीज़ के अलावा दूसरी भी चीज़ें हम सिखाएंगे। आज हम आपको कुकीज़ एंड क्रीम वाला आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे, ये वाली कुकी के साथ जो सबकी डार्क चॉकलेट कुकी फेवरेट होती है, आप समझ गए होंगे, उसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये वाली कुकी हम बना रहे हैं, इसका आइसक्रीम बना रहे हैं आज, कुकीज़ एंड क्रीम का चॉकलेट वाला फ्लेवर। बिकॉज नॉर्मली हम ये जब कुकीज़ एंड क्रीम आइसक्रीम मांगते हैं तो वो वेनिला बेस्ड होता है, ये चॉकलेटी है, इसमें चॉकलेट का दूध जाएगा, चॉकलेट का स्प्रेड जाएगा, बच्चों का और मेरे जैसे भी बड़े बच्चों का फेवरेट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाली रेसिपी है लीची आइसक्रीम। जिन लोगों को फ्रेश लीचीज़ मिलते हैं, सही है, ठीक है, लेकिन ये है ही कैंड लीचीज़ सिरप के साथ वाला जो लीचीज़ होता है, ये देखें, ये है लीचीज़, बीज निकाल दिया है, कैन में मिलता है, इसका अपना सिरप भी है, सिरप को मैंने ड्रेन करके यहाँ रख दिया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, ऐसा ना हो पूरा सिरप हमने डाल दिया, आइसक्रीम ही नहीं जमी, ठीक है। तो ये सब कुछ हम करेंगे। एक सेकंड वाली रेसिपी, अगेन वेरी सिंपल, जस्ट ब्लेंड, ठीक है, एंड फ्रीज। और तीसरी रेसिपी भी है जो मैंने आपको कल कहा था कि हम आइसक्रीम बॉम बनाएंगे। बॉम क्या होता है इन बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी टर्मिनोलॉजी? बॉम वो वाला बॉम नहीं होता है जो लोगों को दुख पहुंचाता है, ये वो वाला मज़ेदार सा मीठा बॉम होता है, यानी कि एक गोल्ड डोम डिज़र्ट होता है, ठीक है। अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चॉकलेट के लेयर्स, केक के लेयर्स, मूस के लेयर्स आप उसमें, मगर हम तो आइसक्रीम वीक मना रहे हैं तो आइसक्रीम के लेयर्स होंगे। बहुत सारे आइसक्रीम्स हैं हमारे फ्रीज़र में, दो हमने कल बनाए थे, थोड़े से मैं बना के लेके आई थी, सिंपल सिंपल आइसक्रीम्स। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो दुकान से खरीद लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करिए और इसी तरह तय लगा के फ्रीज कर दीजिए। बोल में नहीं करना है, टिन में करना है, तो आइसक्रीम केक को या आइसक्रीम बॉम को आप कर सकते हैं किसी भी टिन में भी फ्रीज, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि डिज़र्ट बनाइएगा ये वाला एक दो दिन पहले, ताकि अच्छी तरह वो लेयर्स जमे, ठंडा हो, फिर आप इसको डेकोरेट भी करिएगा। मैं भी डेकोरेट करूँगी, लेकिन डेकोरेट हम कल करेंगे, ठीक है। आज मैं सिर्फ इसको बना के बोल में रख के फ्रीज, क्लिंग लगा के फ्रीज करके जाऊँगी। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। अच्छा जी, स्मार्ट ड्राई आयन एनएक्स की तरफ से किस किस को जीतना है जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे। फ्रूट्स, लीचीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरे कोई मज़ेदार से, कोई अच्छे से कोई फ्रूट्स सोचिए और उनके नाम लिखिए 888 पे। तीन फ्रूट्स के नाम लिखिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब एक और चीज़, नाउ सिंस ये तो ब्लेंडर वाला आइसक्रीम है लीचीज़ का, ये आइसक्रीम भी जल्दी से बन जाएगा, आइसक्रीम केक या आइसक्रीम बॉम भी हम आराम से बना लेंगे, तो थोड़ा सा कुछ उसको डेकोरेट करने के लिए भी मेरे पास है। अब देखें, ये है बेसिकली, तो ये है ईस्टर एग का मोल्ड, ठीक है, ये इस तरह है, दो अंडे और उनको आप जोड़ दीजिए तो एक ईस्टर एग बन जाएगा। ओके, डन, समझ आ गया। लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू पुट आइसक्रीम इन एज वेल। सो व्हाट वी विल डू इज़, इसको हम चॉकलेट से भर के रख देते हैं, एक्सेस चॉकलेट ऐसे करके उल्टा कर देंगे, ताकि इसीलिए मैंने यहाँ इस ये प्लेट रखी हुई है, और इसको फिर हम फ्रिज में रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा आराम से ये अंदर से शेल निकल आता है, उसके अंदर आप दो स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम रख के सर्व कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आप वॉफल्स मिलते हैं मार्केट में फ्रीज़र सेक्शन में, मैंने बनाना भी सिखाया है वॉफल्स आपको, उन वॉफल्स के बीच में आप आइसक्रीम रख सकते हैं, आइसक्रीम का वॉफल का सैंडविच बना सकते हैं, या आप एक वॉफल के ऊपर 3-4 स्कूप्स आइसक्रीम के डिफरेंट डिफरेंट जो मैं सिखाऊंगी पूरे हफ्ते, नोट करिएगा और बनाइएगा, उसके ऊपर क्रीम या चेरीज या नट्स या चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। फिर पतले पतले मार्केट में स्ट्रूप वॉफल्स मिलते हैं, अगर आपको मिले वो बहुत ही बारीक पतले से कैरमल वाले, स्टिकी स्टिकी से होते हैं, मज़ेदार से, तो उसमें उसको भी आप सर्व कर सकते हैं। फिर ये जो चॉकलेट वाले कुकीज़ हैं वो रख सकते हैं क्रश करके। आइसक्रीम्स को सिर्फ सॉसेस के साथ और बड़े बड़े स्वर्ल्स ऑफ पाइप्ड क्रीम के साथ हम सिर्फ नहीं सर्व करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ आई गॉट अ लिटिल चॉकलेट मोल्ड हियर, ये देखें बिल्कुल बारीक पतला सा ये मोल्ड है। बारीक इसलिए है कि हमें बड़े बड़े इसके चॉकलेट्स नहीं बनाने, हमने सिर्फ ये फूल बनाने हैं टू गो ऑन टॉप ऑफ एनी चॉकलेट और केक और डेकोरेशन। तो चॉकलेट के डेकोरेशंस मार्केट में मिलते हैं लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं, बाहर से आते हैं। तो चॉकलेट लिए आपने, अगर आपके पास इस तरह के कोई मोल्ड्स हों, इस तरह के कोई मोल्ड्स हों, वट एवर यू हैव, ठीक है, ये चॉकलेट है, बेसिक डार्क कुकिंग चॉकलेट है, उसको मैंने बस पिघला के रख दिया था, उसको हम एक मोल्ड में भर देते हैं।
ब्रश मिलाना अपना भूल गई हूँ आज, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे इसको। और चॉकलेट को थोड़ी सी नीम गर्म ही होनी चाहिए, चॉकलेट पिघली हुई होगी, ठंडी होगी तो फिर वो बहुत ठंडी हो जाएगी, अगर ज़्यादा ही ठंडी हो जाएगी तो फिर वो स्प्रेड नहीं होगी। अब मैंने एक तो ऐसे कर दिया, अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसको उल्टा कर देना है, आई हैव टू टर्न दिस, ओवर टर्न दिस इन फैक्ट। ये भर दिया आपने पूरा, देखें पूरा नीचे से नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ओके। अब आपने जब चॉकलेट भर दी, आपको लगा कि एक शेल सा बन गया है, आपने ऐसे करके उसको उल्टा कर दिया ताकि इसमें से एक्सेस चॉकलेट, अब प्लीज़ बाहर आ जाना एक्सेस चॉकलेट, मेरी इज्जत रखना। देखें ठीक है, ये चॉकलेट एक्सेस जो होगी ना खुद ही निकल आएगी बाहर। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इसी तरह फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, फिर हम साइड्स को क्लीन करेंगे, ठीक है। नहीं हो तो परेशान नहीं होइए, कराची में रहने वालों के लिए मैं बताती चलूं कि ये ईस्टर एग के मोल्स आपको बोरी बाज़ार में मिल जाते हैं, स्टील के भी, प्लास्टिक के भी, सिलिकॉन के भी, हर चीज़ मिलती है, बस ढूंढने जाएंगे तो ना हर चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहले जब मैंने कुकिंग बेकिंग शुरू की थी, मैंने चॉकलेट्स बनाई थी, उस वक्त यहाँ कोई बड़े नाम नहीं थे जो चॉकलेट्स बनाते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी ईयर्स अगो। हाँ मैं जब छोटी थी तब यहाँ एक पारसी लेडी थी, आई डोंट नो, आई थिंक शी इज़ इन इंग्लैंड नाउ, शी वॉज कॉल्ड रॉक्स रोजैन, रोजैन के नाम से वो चॉकलेट्स बनाती थी, और वो जो टेस्ट है ना, जिन्होंने वो चॉकलेट्स खाई है ना उनके मुंह में अभी तक वो टेस्ट है, उन जैसी कोई चॉकलेट्स नहीं बना सकता है। आई डोंट नो वेयर शी इज़ एंड शी इज़, आई थिंक शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ, आई डोंट थिंक वो बना भी रही होगी। अभी ये उल्टा कर दें, जो एक्सेस चॉकलेट होगी वो खुद ही निकल आएगी, ठीक है। अब आपको उस पर कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ये शेल्स बन जाएंगे, बस फ्रिज में। इसको आप मार्बल भी कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अब हम चूंकि ये चॉकलेट पिघली हुई है, इसी के साथ हम काम कर लेते हैं, एंड वील टेक अनदर प्लेट। जब आप कोई मोल्ड में इस चॉकलेट को सेट करें ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको बार बार हिलाए जुलाए नहीं, तो मैं इसको हिलाए जुलाए, ये देखें ना है भी इतना बेचारा सिलिकॉन का, ऐसा इसको सीधा रखें, नहीं ये तो सीधा नहीं रहेगा। बिगर प्लेट ताकि सीधा रहे, होपफुली, वेल सॉर्ट ऑफ। और इसमें हम चॉकलेट डाल देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये अंदर चॉकलेट कैसे रहेगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही डाल रही हूँ, अभी आपको वो भी दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी डालिए, पतले पतले चॉकलेट के फ्लावर्स निकलेंगे, इतने खूबसूरत बनते हैं। बस आपने क्या करना है, इनको ठंडा करना है, बस कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल। और निकाल दें थोड़ी देर बाद, 3-4 घंटे में हो जाते हैं अच्छे से। जल्दी करना है, फ्रीज़र में रखते हैं, लेकिन चॉकलेट को फ्रीज़र में वैसे रखते नहीं हैं। मेरा ख्वाब था, ड्रीम था टू बी अ चॉकलेटियर ओनली, लेकिन फिर मैंने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज सिर्फ चॉकलेट नहीं, लोगों ने कहा चॉकलेट तो कहीं से भी मिल जाएगी, तुम खाना बनाओ, तुम मीठे डिज़र्ट्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, उससे फिर मैंने दूसरी चीज़ें की थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ इस चॉकलेट के साथ ही काम करूँ। चॉकलेट के साथ काम करना मुश्किल है, चॉकलेट इज़ टेम्परामेंटल, यानी कि उसका मूड, मूडी है चॉकलेट, दिल चाहा तो पिघल गया, दिल चाहा तो नहीं पिघला, और पिघल के भी जम गया और बहुत मथा मारी है, स्पेशली हमारे मुल्क में, बिकॉज हमारे मुल्क में वेदर बहुत गर्म है ना, कराची में तो एटलीस्ट है। अच्छा बहुत सारी बातें कर ली जारनक ने, अभी इसको हम ऐसे करके सीधा स्मूद आउट करके फिर फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से आएंगे तो हम आइसक्रीम्स बनाना शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें चॉकलेट को मैंने रख दिया है, उसके एग को भी मैंने रख दिया है फ्रिज में। अब यहाँ दूसरी चॉकलेट है, उसमें हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे और उसको हम पका लेंगे, ठीक है। इसका गनाश बन जाएगा, तो जो हम कल बनाएंगे अपना आइसक्रीम केक, आइसक्रीम बॉम को कल हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, ओवरटर्न, तो फिर उसको हम डेकोरेट करने के लिए, ये तब तक ये होता रहेगा, इसमें हम क्रीम थोड़ा सा और डाल देते हैं।
और ये होता रहेगा. ओके नाउ लेट्स कम टू आवर आइसक्रीम. अच्छा जी, अब मुझे हर चीज़ ब्लेंड कर देनी है. ब्लेंड कर दें आप यूजिंग योर बीटर या आप ब्लेंडर यूज़ करें, वट एवर, विस्क से करें, कुछ भी. क्रीम है 2 कप, चॉकलेट मिल्क है यानी कि 2/3 कप दूध है और उसमें ये चॉकलेट का पाउडर जाएगा. बहुत सारे बच्चों के पीने वाले चॉकलेट के पाउडर्स आते हैं, कोई सा भी आप डाल दीजिएगा. फिर ये चॉकलेट स्प्रेड है, ठीक है. पिसी हुई चीनी है, थोड़ा सा नमक है, वेनिला एसेंस है और हम चॉप करके ठंडे ये वाले डार्क चॉकलेट कुकीज़ डालेंगे. साबुत नहीं डालेंगे, ठंडे होने चाहिए, चॉप्ड होने चाहिए. इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज. अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके सामने ये सारा कर दूंगी, आप पूरा स्टेप करिएगा लेकिन कुकीज़ नहीं डालिएगा. आप कुकीज़ डालिएगा जब ये आइसक्रीम हाफ फ्रोजन हो जाए, आधा फ्रीज हो जाएगा, तब उसमें चॉप करके ठंडे कुकीज़ डालिएगा और फिर दोबारा फ्रीज कर दीजिएगा. अब मैं आपके सामने करूँगी, मैं फ़ौरन डाल दूँगी, ठीक है. गनेश को ऊपर से पोर करने के लिए रखना हो, क्रीम की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत चॉकलेट के. इसमें से भी ले लेते हैं, पूरा आ जाए अंदर. फिर ये यहीं छोड़ के जाऊंगी. अब आइसक्रीम्स का ये है कि मैं अभी से निकालना नहीं चाहती, ये एक दो आइसक्रीम्स बन जाएंगे फिर वो आइसक्रीम बॉम्ब के लिए करते हैं. सो लेट मी गेट माय बीटर एंड बोल और उसमें हम डाल के ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं. अच्छा नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम आपको मार्केट में मिल जाता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं. आप टेट्रा पैक वाली क्रीम मिलती है वो यूज़ कर सकते हैं. जो क्वांटिटी मैंने लिखी है वही रखिएगा. अब जो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा व्हिप होकर डबल कर देगी आपके आइसक्रीम की क्वांटिटी, ये याद रखिएगा. चलो जी ये हो गया, इसका चूल्हा बंद. अब इसको रख के जाएंगे यहाँ और कल ऊपर से पॉ कर देंगे, उसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देंगे. तो जब आप काटेंगे तो ऊपर गनेश होगा ये, फिर स्प्रिंकल्स होंगे और अंदर से केक के जो आइसक्रीम बॉम्ब है उसके आइसक्रीम के लेयर्स निकलेंगे. आप चाहें तो अंदर कोई सॉसेस डालें, चॉकलेट चिप्स डालें, आप चाहें तो अंदर कोई केक के लेयर्स भी रख सकते हैं, लेकिन आई एम ओनली गोइंग टू डू आइसक्रीम्स टुडे, ठीक है. चलिए क्रीम चला गया इसमें, अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा चुटकी भर नमक. नमक चला गया, वेनिला एसेंस जाएगा, फिर इसमें आप डालेंगे ये आपका कोई सा भी ब्रांड का चॉकलेट स्प्रेड, ठीक है जी. आप समझ गए, चॉकलेट एंड हेजलनट स्प्रेड जो मिलता है मार्केट में, लोकल भी आ गए हैं, बहुत सारे आपको मिलते हैं, कुछ भी डालिए, वट एवर यू वॉन्ट. इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा. हम कुकीज़ एंड क्रीम कर रहे हैं आइसक्रीम, लेकिन हम चॉकलेट बेस का बना रहे हैं. अब ये ऐसी चीज़ें ज़ाया नहीं करते हैं. टेक योर स्पैचुला एंड रिमूव एवरीथिंग, सब कुछ बोल में से लीजिए ताकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो. अच्छा अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है, चीनी चली गई. अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूध इसमें डाल के मैं पाउडर डाल के इसको घोलना चाहती हूँ. टेक अ विस्क और फॉक और एनीथिंग, खोल दीजिए अच्छी तरह. ये आइसक्रीम बनाने का आसान तरीन तरीका है. वैसे आइसक्रीम्स कस्टर्ड से बनते हैं, अंडे से बनते हैं, ये एगलेस भी हैं, आसान भी हैं, मज़ेदार भी हैं, फ्रीज हो जाएंगे. पहले आप थोड़ा सा दूध डालिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए. मेक श्योर कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो, ठीक है, अंदर सब कुछ मिक्स हो जाए. चुटकी भर नमक था, वेनिला एसेंस था, पिसी हुई चीनी थी, चॉकलेट स्प्रेड था, चॉकलेट ये पाउडर था और दूध था, तो चॉकलेट मिल्क बन गया और क्रीम था. अब हर चीज़ मिक्स.
गया मिक्स। अब आप इसमें डालेंगे ये वाली कुकीज चॉप करके, ठीक है? सो लिटरली चॉप करके डालिएगा, डोंट ऐड देम पूरे ऐसे, साबुत नहीं डालिएगा। एयरटाइट डब्बा लीजिएगा, उसमें पूरा भर देंगे, ठीक है? इस तरह चॉप चॉप चॉप। क्रीम के साथ ही चॉप करिएगा, क्रीम रिमूव नहीं करिएगा। ठीक है जी, ये हो गया। फूड प्रोसेसर में डालती तो पूरा का पूरा चूरा हो जाता, चूरा नहीं चाहिए हमें। अब क्रीम था 2 कप, 2/3 कप दूध था जिसमें हमने चॉकलेट का पाउडर डाला था, 3/4 कप चॉकलेट का स्प्रेड था, चुटकी भर नमक था, वेनिला एसेंस था 1/2 टीस्पून, 3/4 कप पिसी हुई चीनी थी और ये 1 से 1.5 कप कुकीज़ होने चाहिए। सो ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है आइसक्रीम का, ये आप इसमें पोर कर देंगे, ठीक है जी, और इसको आप फ्रीज कर देंगे। 3-4 घंटों के बाद निकाल के जब ये आधा सेट हो जाएगा तब आप इसमें डालेंगे ये कुकीज़। ओके, अब आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू शो यू ना, कल दिखाएंगे आइसक्रीम आपको। डन, एक आइसक्रीम रेडी। बस अब जस्ट लाइटली ऐसे कर दीजिए ताकि हर जगह स्प्रेड हो जाए और आप इसको फ्रीज कर दीजिए। दैट्स इट। ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखें यहाँ चॉकलेट चिप आइसक्रीम है। अब आप सोचेंगे ये डार्क चॉकलेट चिप का आइसक्रीम नहीं है, ये प्लेन वेनिला आइसक्रीम है जिसमें मैंने चॉकलेट चिप्स डाले हैं, मैंने घर में बनाया है। ये है पिस्ताचियो आइसक्रीम, ठीक है? अभी सारे आइसक्रीम्स को सॉफ्ट करना है, पिस्ताचियोज मैंने नहीं डाले थे, वो आप डाल देंगे। अब क्या है ये सिर्फ क्रीम कलर फ्लेवर और कंडेंस्ड मिल्क वाले आइसक्रीम्स हैं, आसान तरीन। ओके, ये हो गया आपका पिस्ताचियो, पिस्ताचियो एसेंस मिले वो डालिएगा, नहीं हो वेनिला डालिए। ये है स्ट्रॉबेरी, कलर है इसमें, इसमें फ्लेवर है यानी कि एसेंस, इसमें कंडेंस मिल्क और क्रीम, और ये सारे मुझे सॉफ्ट चाहिए। आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने पिघला दिए हैं, मैंने पिघलाए हैं जानबूझ के पिघलाए हैं। ये ज़रा है हमारा चॉकलेट वाला, वो थोड़ा बेचारा ज़रा अभी तंग कर रहा है मुझे। मैं पता है क्या करूँगी, इसको मैं माइक्रोवेव कर दूँगी। यस, माइक्रोवेव। कस्टर्ड था ना इसमें, कस्टर्ड पाउडर था ना, इसलिए ऑब्वियसली कल जो हमने बनाया था ये वो है, इसमें टाइम लगता है, वो ऐसे ही सख्ती रहेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं पिघला दीजिएगा, थोड़ा सा सॉफ्टन तो करना ही है वरना स्प्रेड नहीं होगा बोल में। आइसक्रीम्स बहुत सारे बच जाएं उसको भी एक छोटा सा आइसक्रीम बॉम्ब सा बना लीजिए, केक बना लीजिए, लेयर्स कर दीजिए अच्छी तरह। एक्चुअली सेट करना होता है एक एक लेयर को, सेटिंग का टाइम नहीं हो तो फिर कुछ नहीं, ऐसे हमारी तरह फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सो थोड़ा मुझे और माइक्रो करना पड़ेगा। सो अच्छा चले ले आइए प्लीज बोल, एक बोल मैं क्लिंग मैंने पूरा लगवा दिया है, क्लिंग लगा के बोल रेडी रखिएगा। सारे आइसक्रीम्स एक के बाद एक के बाद एक ऊपर लेयर्स पोर करते जाइएगा और आप उसको करिएगा फ्रीज।
बोल कांच का जिसमें क्लिंग, ठीक है. अब लेट्स स्टार्ट विद दिस. Now I want कि ये अच्छी तरह नीचे तक चला जाए. अब आप इसके ऊपर ग्रीन कलर डाल दीजिए, यानी पिस्ताचियो आइसक्रीम. ओके, कितना कलरफुल बनेगा जब बन के निकलेगा ना, आप लोगों को समझ में आएगा मैंने क्या बनाया है. ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा शायद. नहीं, हमारी ऑडियंस बहुत होशियार है, बहुत अवेयर है और क्रिएटिव भी है. आप लोग अपने आइडियाज़ मुझे दीजिएगा. मैंगो पाइनएप्पल आइसक्रीम हो, कुछ भी हो आपके पास, वो उससे बनाइए. आप मेक श्योर कि लेयर ऐसे अलग से हो जाए. पिस्ते विस्ते डालिए, कुछ भी आपको कुछ भी करना है. ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट चिप ये वाला डालेंगे. अच्छी तरह चॉकलेट चिप्स मिक्स करिएगा. ठीक है, नाउ इफ यू वांट, थोड़ा सा पिघला के आइसक्रीम वो वाला जाएगा अपना चॉकलेट का. अभी इसमें जगह नहीं है, अभी फिलहाल छोड़ दें. इसको मैं रख देती हूँ फ्रीजर में. अभी ऊपर क्लिंग लगाएंगे हम. ठीक है, ओके जी, ठीक है, ये समझ आ गया. लेयर्स आप कर दीजिए आइसक्रीम के, उसको आप एक तरफ रख दीजिए फ्रीज़र में, फिर आप दूसरे दिन निकालिए. उसके ऊपर वो गनैश जाएगा, पूरा ओवरटर्न करेंगे जब हम प्लेटर पे क्लिंग निकाल देंगे, फिर उसके ऊपर गनैश जाएगा, उसके ऊपर स्प्रिंकल्स जाएंगे. किसी भी तरह आपको डेकोरेट करना वो करेंगे. अभी चॉकलेट आइसक्रीम को मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि वो उसी तरह तीन लेयर्स में हो. आप अगर लेयर्स डालना चाहें, आपके पास टाइम हो, तो एक एक लेयर को सेट होने दीजिए, फिर करिएगा. लेकिन आइसक्रीम सॉफ्ट होना चाहिए. सो आई होप ये समझ आ गया होगा. अब लीची आइसक्रीम की तरफ आ जाते हैं. ब्लेंडर ले लीजिए, लीचीज एक टिन लीचीज मैंने लिए थे. ठीक है, टिन में लीचीज जो होते हैं उसके ऑब्वियसली बीज निकले हुए होते हैं. आपको अगर यूज़ करना है फ्रेश तो फिर आप उसके बीज निकालिएगा, लेकिन टिन वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, सो डोंट वरी. अब इसमें जाएगा 300 ग्राम क्रीम. फिर इसमें आप डालेंगे एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का, जो कि यहाँ 14 ounces का मिलता है. और उसमें फ्लेवरिंग के लिए रोज़ वाटर यानी अरके गुलाब या रोज़ एसेंस आप डालिएगा. मैं रोज़ एसेंस लेके आई हूँ. इतना अच्छा टेस्ट लीचीज़ का उभर के निकलेगा, आप देखिएगा. ट्राई बर्गर ज़रूर करिएगा. ठीक है जी, ये क्या है, ये रास्बेरीज हैं, छोटे छोटे बेरीज हैं जो फ्रोज़न मुझे मार्केट में मिल गए थे. कोई भी बेरीज़ जो लाल कलर के हों वो डालिएगा उसके थोड़े से जूस के समेत, फॉर योर लवली कलर. और रोज़ एसेंस बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. रोज़ एसेंस अरके गुलाब से ज़्यादा मुझे ये रोज़ एसेंस अच्छा लगता है. रोज़ ग्रीन एसेंस के नाम से मिलता है, इसी तरह का ग्रीन कलर है, अंदर जाके कलर ग्रीन नहीं होगा. आपको इसको ऊपर नीचे करना है. कलर देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा आया है. कोई भी लाल बेरीज डालिएगा, स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरी डालिएगा, ब्लूबेरीज हो ब्लूबेरीज डालिएगा, रास्बेरीज हो रास्बेरीज डालिएगा, कुछ भी मिक्स्ड बेरीज हो वो डालिएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा. फॉर द नाइस फ्लेवर थोड़ा सा जो हमारे पास यहाँ इसका सिरप है वो भी हम डालेंगे. थोड़ा सा डालिएगा, ठीक है, नॉट अ लॉट.
425 ग्राम लीचीज होने चाहिए जो सिरप में आपको टिन में मिलते हैं, 8-10 स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, कोई भी बेरीज ले लीजिएगा, ब्लूबेरीज हो ब्लूबेरीज ले लीजिएगा, 1 टीस्पून आप रोज वाटर डालिएगा या आधा टीस्पून आप रोज ग्रीन एसेंस डालिएगा, 300 ग्राम इसमें क्रीम जाएगी और 1 कैन 14 ounces का कंडेंस मिल्क का जाएगा। हर चीज ब्लेंड एंड रेडी। बेरीज भी जब फ्रीज होते हैं थोड़ी सी चीनी उसमें होती है, कंडेंस मिल्क में भी चीनी है, लीचीज कैन वाले जो हैं वो भी मीठे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी मीठा करने के लिए चीनी वीनी कुछ नहीं डाली। चलिए ये आइसक्रीम भी रेडी, एयर टाइट डब्बे में भर दीजिए। कितना मजेदार कलर आया है इसका, थैंक्स टू द बेरीज। कोई भी बेरीज हो आपके पास वो डाल दीजिए, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कुछ भी। अच्छा जी, ये आइसक्रीम को भी फ्रीजर में रखते हैं, कल दिखाएंगे आपको सारे आइसक्रीम्स निकाल निकाल के स्कूप्स में। आप लोग लीजिए ब्रेक, और ब्रेक में अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 888 पे आप हमें बताएंगे 3 फ्रूट्स के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। वो अंडे जो हमने बनाए थे चॉकलेट के, वो देखें ऐसे उल्टे कर दिए, बिल्कुल परफेक्ट अंडे बन गए हैं। ओके ठीक है, अगर आप इसमें कुछ भर के ऐसे करके जोड़ना भी चाहें तो दिस इज़ योर लिटिल ईस्टर एग। बट हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे एज अ फिलिंग फॉर सम आइसक्रीम। सो स्कूप लिया, अब कौन सा चाहिए आपको? ये स्कूप क्यों नहीं चल रहा? चॉकलेट आइसक्रीम, ये जो कल वाली चॉकलेट आइसक्रीम थी, ये देखें कस्टर्ड जो होता है ना चॉकलेट आइसक्रीम वाला, जो कस्टर्ड से बनाते हैं दूध से और जेलेटिन या कस्टर्ड पाउडर से, बहुत अच्छा जमता है। दूसरे आइसक्रीम्स आपने देखा जो मैंने कंडेंस मिल्क और क्रीम से बनाए थे, वो कितने सॉफ्ट थे। कोई बात नहीं, इसको आपने ऐसे करके भर देना है। ठीक है, अब आप इसको कवर कर दें या दूसरे में भी भर दें, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा सा स्कूप बनाइए, ड्राई होने चाहिए हाथ भी आपके, चॉकलेट के साथ काम करते वक्त तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, ये आपका आइसक्रीम हो गया। अब जो मैंने चॉकलेट्स बनाए थे वो आप उसके ऊपर इस तरह रख सकते हैं। तो ये आइडियाज़ हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नाउ आई पुट दिस इन द फ्रीज़र अगैन, बिकॉज यहाँ बहुत पिघल जाएगी चीज़ें। उप्स उप्स उप्स, सीधा रहो। हमारा आइसक्रीम भरा हुआ फ्रिज है। अब हम क्या करेंगे, अब सी ये जो है ना हमारे जो चॉकलेट्स हैं, ये ऐसे ही आप इसको ऐसे उल्टा करते जाइए, कुछ टूटे हुए निकलेंगे। हाँ, बिकॉज आई डिड नॉट हैव माई स्क्रेपर टूडे, उससे मैंने आज स्मूथ नहीं किया है, वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं भूल गई वो लाना। लेकिन हम कुछ चॉकलेट्स बना के ऐसे करके आपको डेकोरेशंस में दिखाएंगे। सिलिकॉन के मोल्ड्स में से आसानी से निकल आते हैं, मैंने जब शुरू किया था प्लास्टिक के होते थे, माय गॉड बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था उसमें से निकालना। अच्छा, अब हम इसमें कॉफ़ी, मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी आइसक्रीम कर देते हैं। ये जो कल बनाया था ये वो है, डब्बों के लिड्स एयर टाइट होंगे तो आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, इसको धो लेते हैं। आई होप आपने आज की तीनों रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे। आइसक्रीम बॉम्ब तो बहुत ही आसान है, कोई से भी आइसक्रीम्स जो आपके पास हों, आपके फेवरेट हों, या घर में कोई खा नहीं रहा हो, उसको इस तरह लेयर करके बना लीजिए कोई और चीज़। बी क्रिएटिव, कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, कॉफी आइसक्रीम निकाल दूंगी मैं पूरा।
बोल आपका बड़ा हो तो आइसक्रीम बॉम्ब में आप 4-6 फ्लेवर्स कर सकते हैं लेयर। फ्लावर्स जो अच्छे अच्छे निकले हैं उनको आप चॉकलेट वाले फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर दीजिए। ठीक है, क्या ख्याल है? मैंने आपको कहा था ना कि मैं सिर्फ आपको आइसक्रीम बनाना नहीं सिखाऊंगी, उसके साथ की चीजें भी बहुत सारी सिखाऊंगी। सो लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स हियर। ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन, स्टे ट्यून्ड। कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम। अच्छा, क्रीम 2 कप, चॉकलेट मिल्क 2/3 कप, चॉकलेट स्प्रेड 3/4 कप, कस्टर्ड शुगर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1/4 चम्मच, नमक चुटकी भर, डार्क चॉकलेट कुकीज 1.5 कप। तरकीब: चॉकलेट स्प्रेड, कस्टर्ड शुगर, क्रीम, नमक, चॉकलेट, मिल्क और वनीला एसेंस को अच्छी तरह बीट करें कि क्रीमी हो जाए। फिर 45 मिनट फ्रीज कर दें। अब फ्रीजर से निकाल कर दोबारा ब्लेंड करें। फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज कर दें। उसके बाद निकाल कर डार्क चॉकलेट कुकीज़ डालकर मिक्स कर लें और दोबारा फ्रीजर में रख दें। आइसक्रीम बॉम्ब। अच्छा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 6 कप, चॉकलेट चिप आइसक्रीम 5 कप, पिस्ताशियो आइसक्रीम 4 कप, चॉकलेट आइसक्रीम 2 कप, वाइट स्प्रिंकल्स सजाने के लिए। तरकीब: एक डीप बोल में प्लास्टिक रैप्स लगा दें। उसके बाद स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को मैश करें और स्पैचुला की मदद से बोल को आइसक्रीम की मोटी तह से कोट कर लें और 2 घंटे फ्रीजर में रख दें। इसी तरह चॉकलेट चिप आइसक्रीम और पिस्ताशियो आइसक्रीम की तह लगाएं और फ्रीज करते जाएं। बाकी जगह चॉकलेट आइसक्रीम से फिल करें और प्लास्टिक रैप्स से ढककर तकरीबन 8 घंटे फ्रीजर में रख दें कि मुकम्मल फ्रीज हो जाए। सर्व करने के लिए बोल को सर्विंग प्लेट में पलट कर प्लास्टिक रैप्स हटा दें। ऊपर वाइट स्प्रिंकल्स लगाकर सर्व करें। लीची आइसक्रीम। अच्छा, केन लीची सिरप के साथ 425 ग्राम, रस बेरीज 10 अदद, रोज वाटर या रोज एसेंस 1/4 चम्मच, क्रीम 300 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 1 केन। तरकीब: लीचीज को सिरप के साथ फूड प्रोसेसर में डालें, साथ ही रेस्पेरीज भी शामिल करके ब्लेंड कर लें। फिर इसमें रोज वाटर या रोज एसेंस डालकर ब्लेंड करें। उसके बाद क्रीम को अच्छी तरह बीट करें। अब इसमें लीची, रेस्पेरीज का मिक्सचर और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें और एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में तकरीबन 3 घंटे फ्रीज कर दें। आइसक्रीम बॉम्ब। अच्छा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 6 कप, चॉकलेट चिप आइसक्रीम 5 कप, पिस्ताशियो आइसक्रीम 4 कप, चॉकलेट आइसक्रीम 2 कप, वाइट स्प्रिंकल्स सजाने के लिए। जी जी, वेलकम बैक। देखें, ये मैंने यहाँ कल का चॉकलेट आइसक्रीम और कॉफ़ी आइसक्रीम रखा है, उसके साथ साथ जो मैंने आज आपको चॉकलेट का अंडा बनाना सिखाया था, ईस्टर एग को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं उसके मोल्ड को, ठीक है, जस्ट टू पुट योर चॉकलेट आइसक्रीम इन। कॉफ़ी आइसक्रीम के ऊपर वो चॉकलेट के फ्लावर्स चले गए थे। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में अगर ये चीज़ें हों तो इनको इस तरह इस्तेमाल किया करें। आज जो हमने लीची वाला आइसक्रीम बनाया था, जिसमें हमने ब्लूबेरीज या रास्पबेरीज या स्ट्रॉबेरीज जो भी आपको डालना है वो डाल के आप ब्लेंड करके उसको फ्रीज करने रख दिया है। जो आपके सामने मैंने आइसक्रीम बॉम्ब बनाया है स्ट्रॉबेरी पिस्ताचियो चॉकलेट चिप आइसक्रीम के साथ, वो भी फ्रीज़र में है, वो कल दिखाएंगे। और तीसरा क्या बनाया था मैंने, उनको मैं भूल ही जाती हूँ, हाँ, कुकीज़ एंड क्रीम आइसक्रीम, वो भी हमने फ्रीज़ कर दिया है। आज की तीनों चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर दी हैं और आपको कल दिखाएंगे स्कूप्स में निकाल के डेकोरेट करके मज़ीद। तो इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, आइसक्रीम वीक देखते रहिएगा। और आज कौन जीता है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट, मुझे बताइए प्लीज़ नाम उनका।
रिदा रहीम यार खान से। मैं समझी हमारी अपनी रिदा जी थी। अच्छा जी चलिए, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। आइसक्रीम वीक अभी पूरा हफ्ता, आइसक्रीम की रेसिपीज देखनी है। कल है एप्पल पाई आइसक्रीम। अब आप सोचेंगे एप्पल पाई आइसक्रीम में कैसे चला जाएगा, तो आप सीखेंगे मुझसे कल। और क्या है कल, भूल गई मैं, अभी बताती हूँ। आई थिंक वेगन आइसक्रीम भी है, और कौन सी आइसक्रीम्स थी, मैंने रखा हुआ था यहाँ कि मैं अभी आपको बताऊँगी कि कौन सी आइसक्रीम्स मैं आपको सिखाऊँगी। हाँ, चॉकलेट सेमी फ्रेडो भी है, वो भी एक बहुत ही मज़ेदार सा है। इट्स नॉट एन आइसक्रीम बट इट्स अ चॉकलेट सेमी फ्रेडो। सो कल वेनसडे है, कल है ठंडाई आइसक्रीम। ठंडाई हम पीते हैं ना, तो उसका मसाला आइसक्रीम में कैसे जाएगा वो आप सीखेंगे, और एप्पल पाई आइसक्रीम सीखेंगे, और लेमनेड आइसक्रीम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तीन बहुत अनयूजल से आइसक्रीम्स हैं। फिर थर्सडे को जुमेरात को एप्रिकॉट आइसक्रीम है, खुबानी से मैं आइसक्रीम बनाऊंगी, और चॉकलेट सेमी फ्रीडो है, वीगन आइसक्रीम है। फ्राइडे को ट्रॉपिकल आइसक्रीम केक है, यमी। और टी एंड बिस्किट्स आइसक्रीम है, टी एंड बिस्किट्स, चाय और बिस्किट आइसक्रीम के अंदर, वो भी आप देखेंगे मैं कैसे बनाऊंगी। और उसके अलावा कॉफ़ी मग केक हम आपको बनाना सिखाएंगे। सो आई होप आप नोट करेंगे ये सारी रेसिपीज, और कभी ना कभी तो आप बनाएंगे ज़रूर इन आइसक्रीम वीक में से कुछ भी। ठीक है, चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। रात में 10:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाजत। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज़।